नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में खाने वाली मिठाई, जिसे आप बना करके हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर में पड़े सामान से बन जाता है, एकदम शुद्ध घर का बना हुआ ये मिठाई बर्फी तैयार होने वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें मैं क्रीम वाला दूध इसमें डाल दूँगी, फुल क्रीम वाला दूध उसमें डाल करके 1 लीटर इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसे हम एकदम मावा जैसा पूरा बना करके ले लेंगे। अभी ये उबलने लगा है, उसको एकदम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, एकदम मावा जैसा करके ले लेंगे। इसके लिए एकदम फुल क्रीम का दूध लेना है, गाय का दूध नहीं इस्तेमाल करना है। बस अब यहाँ ये अच्छे से एकदम मावा जैसा हो गया है, मतलब खोया बन चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, इसको घी डाल के अच्छे से पकाऊँगी। इसमें 1 से 2 चम्मच छोटे चम्मच से घी डाल देने का है, इसको अच्छे से थोड़ा पकाने का है। घी डालने से क्या नीचे पकड़ेगा नहीं। और इसमें डाल देंगे, मैंने मखाने को मतलब भून करके पीस करके लिया था, इसमें थोड़ा सा मैंने काजू भी डाल दिया था। ऑप्शनल है, अगर आप काजू डालना तो डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप ही कर सकते हैं। मखाने को मैंने अच्छे से इस तरह से पाउडर जैसा बना करके ले लिया था, इसे डाल दूँगी। यहाँ मैंने मिला करके ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच पिसा हुआ चीनी। अभी मैं बाद में और डालूँगी, पहले इतना मैं डाल के इसको अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें घी डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब इसमें मात्रा के हिसाब से मैं चीनी डालूंगी, जितना मीठा आप पसंद करते उतना डाल सकते हैं। मुझे जितना मीठा मुझे पसंद है उतना डालूँगी, ज़्यादा मीठा नहीं डालूंगी, जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही डालूंगी। तो इसको अच्छे से मिला लूँगी और गैस का फ्लेम बंद कर देने का। हम बैटर पेपर पे इसे फैला देंगे। इसको स्क्वायर शेप में इस तरह से करके ले लेने का है। आप इसे मोटा पतला जो चाहे जैसे आप इसे इस तरह से फैला सकते हैं। अगर आपको पतला थोड़ा चाहिए तो और थोड़ा इसको बड़ा में फैला सकते हैं। इसको थोड़ा मैं ठंडा होने दूंगी, फिर कट करूंगी। अभी यहाँ ये ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं कट करूँगी। आप चाहे तो इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं डाला, स्किप किया है। आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसको हम बर्फी जैसा कट कर लेंगे। इसको आप हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं और खा सकते हैं, अपने शेप के हिसाब से आप बड़ा छोटा इसको कट कर सकते हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर भर के आप इसको व्रत में खा सकते हैं। ये व्रत में खाने वाली बर्फी बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी कितने आसानी से और कितने जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है। इसे आप बना करके रख देंगे तो जब चाहे आप इसको खा के पानी पी सकते हैं व्रत में, और घर पे ही बना के अच्छे से इसको रख सकते हैं एकदम। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्रत में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बर्फी की रेसिपी। ये घर में पड़े सामान से आसानी से बन जाता है। इसको आप किसी एयरटाइट कंटेनर भर के आप खा सकते हैं, हफ्ते भर के लिए ख़राब नहीं होगा ये। चैनल पर नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट बना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।